नमस्कार, आज आम मैंने शुणा होली पछर पुराण कहानी टे। पुराण समय कथा ये, से समय रे हिरण्यकश्यप बोली जड़े राजा थिले। स्वभाव तांकर राक्षस परी थिला। तांको सान भाई भगवान विष्णु हाथ में प्राण हर से सबु समय रे एहार प्रतिशोध नेबाकु चाहूथिले। एथिपाई से वर्ष वर्ष धरी प्रार्थना करिबाकु लागिले। शेषरे से बर प्राप्ति होई निजकु भगवान कहिबाकु लागिले। सेतिकि नुहे, तांको भगवान बोली पूजा करिबा पाई लोकमानंकु मध्य प्रवर्ताइले। सेही दुष्ट राजा हिरण्यकश्यपर पुत्र संतानटिए थाए। पुत्रटीर नाम प्रहल्लाद थिला, किंतु से थिले निज पितांकर संपूर्ण विपरीत। से भगवान विष्णुंकर परम भक्त थिले। निज पुत्र को जेते बुझाइले भी पुत्र प्रहल्लाद किछि भी सुणु नथिले। बरं से भगवान विष्णुंकर अधिकरु अधिक पूजा करुथिले। पुत्र प्रहल्लादंकर एपरि विष्णु भक्ति राजा हिरण्यकश्यप को अतिष्ट करी पकाइला। शेषरे क्रोधित होई से निज पुत्र संतानर विनाश करने को दिने ठीक कले। निज योजना सफल होबापाई शेषरे हिरण्यकश्यप निज भौणी होलिका को प्रहल्लाद को निधन करने को दायित्व देले। होलिका एपरी शक्तिर अधिकारिणी थिले जे कि कदापि अग्नि रे जलिबे नाही। तेणु प्रहल्लाद को कोल रे धरी जलंता अग्नि मध्य रे बसी प्रहल्लाद को जीवन नेबाकु हिरण्यकश्यप भौणी होलिका को परामर्श देले। किंतु सेमानंकर योजना सफल होई परिला नाही। भगवान तो सदाबेले भक्त सहित ही रही थांती। निज परम भक्तर एपरि विपद समय रे भगवान स्वयं विष्णु निज भक्त को विपदरु रक्षा करिथिले। से दिन से ही अग्नि रे हिरण्यकश्यपर भौणी होलिका जली पड़ी शेषे पाउंश हो जाइथिले। होलिकार मृत्यु सहित खराब चिंताधारा और पापर विनाश होइथिला। एहा परे भगवान विष्णु शेषे हिरण्यकश्यपर बद्ध करिथिले। आज भी भारतर केतेक स्थान रे होलिकार निधन घटना मन पका जाए। होली पर्व रे निया जला जाए पूजा करा जाए थाए। सुनिले होली पछरे थिबा पुराण कहानी टे। एमती नुआ नुआ कहानी सुनिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। नमस्कार।